मेरा नाम अबीहा है मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ मेरा साहिल अदीम साहब से सवाल है की उन्होंने कहा की पाकिस्तान हमारा एक बेस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड है अगर हमने कुछ निज़ाम इम्प्लीमेंट करना है तो एक करंट एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे चल रहा है जिसका मैं हिस्सा हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हिस्सा हैं और एक साहिल साहब की जो एकेडमी है सोर्सकोट एकेडमी है उसका पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्टिव बहुत डिफरेंट है तो सहल अदीम साहब उस सिस्टम को इस करंट सिस्टम से सब्सिट्यूट क्यों नहीं करते ठीक और... हो गया ठीक हो गया पाकिस्तान का निज़ाम तालीम ख़राब है ये थी कहने थी। का मतलब तो अबीहा के सवाल का यही है इसको सब्सिट्यूट किया जाए मेरा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अभी जो मैकेनिकल मूवमेंट है मैंने नहीं की अभी तक वो मेरे थ्री प्रोग्राम के अंदर है स्टेप टू में भी नहीं है वो याद रखिएगा वरना मैं सोर्स कोड को इस तरीके से ऑनलाइन एक पिक एंड चूज अ प्रोग्राम मॉडल के ऊपर रखता ही ना मेरा कोई स्कूल तो अभी नहीं है ना मैं तो ऑनलाइन एक पिक एंड चूज अ प्रोग्राम और आप ऑनलाइन अटेंड कर लें दैट्स 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 प्रीटी मच अ वेरी यू नो द ओनली प्ले आई हैड क्योंकि मैं ग्लोबल मुस्लिम्स को एड्रेस कर रहा था एटी टू कंट्रीज से मेरे स्टूडेंट्स हैं एटी टू कंट्रीज से सोर्स कोड डब्ल्यू 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 डॉट सोर्स को आई एम एस नहीं है वो एक सोर्स कोड का नाम लेती है तो लोगों को पता होना चाहिए जो जो मत कीजिएगा ये एक अलग मूवमेंट है ये अलग एक प्रोजेक्ट है और इसमें हमने अरबी को मैंडेटरी करने के लिए मुसलमानों की पहली जबान अरबी होनी जरूरी है वो हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था उसके बाद हमने फिर स्टेम uh, फील्ड के अंदर एंटर किया और मैथमेटिक्स को थ्री डिमेंशनल मैथमेटिक्स को कुरानिक मैथमेटिक्स अल्टीमेट मैथमेटिक्स को उस कॉन्सेप्टलाइजेशन को हमने इन्फोर्स किया कि बच्चों को बताएंगे कुरान पाक इज द अल्टीमेट बुक ऑफ मैथमेटिक्स और जिस तरीके से वो करिकुलम है आके देखें आप और जिस तरीके से उनको ट्रेनिंग हो रही है आके देखें उसमें बहुत टफ ट्रेनिंग है इवन करेंट स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि सर ये बहुत ज्यादा ही टफ है क्योंकि पीपल आर नॉट यूज टू दिस सो मैं उसको भी मेलो डाउन तो कर दूंगा मगर इसका एजुकेशन सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे करंट करिकुलम को हम इस वक्त क्योंकि अभी बडिंग फेज के अंदर है हम उसके अंदर भी एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं बड़े ही जरी किस्म के पेरेंट्स हैं उन्होंने आके अपने आप को अरबी में तो अडल्ट बच्चे अलग है। आ, तर 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 ज़़ग ज़़ग हैं मैथमेटिक्स एंड साइंसिस के अंदर यू नो ज्यादातर स्टूडेंट यंग है बच्चे हैं सो इन दो तीन सालों के अंदर हमने पी के स्टूडेंट्स को चैलेंज करना है चार साल के अंदर बच्चा जीरो से स्टार्ट होके पोस्ट डॉक्टरेट लेवल की मैथमेटिक्स करेगा ये छोटा वाक्य तो नहीं था एजुकेशन सिस्टम तो इधर से भी चैलेंज हो रहा था मगर मगर ये मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं था सोर्स कोड एकेडमी का कि हम डायरेक्टली एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज करें मैं उस करिकुलम को चैलेंज करने के लिए मैंने एकेडमी शुरू की थी कि पहले इस करिकुलम को तो बताऊं कि ये क्या इन्होंने बिजनेसमैन से करिकुलम बनाया कि एक किताब को पतली से कॉन्सेप्ट को पकड़ा दस साल तक खींचा क्लास वन से क्लास टेन तक

फिलोसफी uh, को आश्कारा करके दिखा सकता हूं आपके सामने मगर बिलियन में तो आप लोग हैं मैं थोड़ी हूं मैं तो अकेला बंदा हूं आई एम ओनली गोइंग टू बिकम वन वन ऑफ 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 दैट यू नो द पॉन्स ऑन द बोर्ड विच विच इज गोइंग टू कीप शाउटिंग अ वेरी क्लियर गंग काम करना क्या है और कैसे करना है ओके होपफुली एवरी वन नोज के हर बंदा मिलेगा तो ये काम होगा uh, वरना पॉलिटिक्स नहीं होगी अकेले अकेले कुछ नहीं होने वाला और हमें पॉलिटिकल ग्रिप चाहिए हमें असल में कानून

क्वेश्चन करें तो उसके पीछे डेप्थ हो आपने रे, 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 रेफरेंस और रिसर्च के साथ बात करें यू शुड बी द अल्टीमेट स्टूडेंट क्योंकि आपकी एनर्जी पीक पे है इस वक्त आपसे कोई और तो रख भी नहीं कोई रहा आपसे कोई भी नहीं कहता उठो और इतने करोड़ बना के लेके आओ यू राइट थिंग एवरी वन इज फोर्सिंग यू टू गो टू द बुक्स यू बैटर बी इन द बुक्स एंड यू बैटर बी द मोस्ट एलोक्वेंट वॉइस इन द सोसाइटी एलोक्वेंट इन कैटेगरी एसिंग द राइट क्वेश्चन एंड मेकिंग द राइट चैलेंजेस अपने बड़ों को तहजीब और तमीज के साथ चैलेंज करना सीखें ताकि आप अपने आप को इंप्रूव कर सकें वो आपको सेटिसफाई करेंगे फिक्र नहीं करें ना कर सके तो फिर उनको अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा सो so, आप जैसे जो लड़के हैं इस एज में दे शुड बी द मिरर हमें आईना दिखाने के लिए आप लोग आते हैं कि जी अपनी क्वालिटी चेक कराओ अपने एहतसाब करो अपना अपना हिसाब दो कि इतनी उम्रें गुजारी है तो कितना कितना यू नो सोने की काने उखेड़ के लेके आयो अपनी कौम के लिए कितना साहिल साहब ये जो चले अपने घर में फतह करने और चैलेंज करने की बात है लेकिन ये फ़लात अकुल्ला उफ उंगला तन तनहर हुमा भी तो है साथ में ये किस तजाद किस किस्म का है जो आपका पैगाम जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अपने घर को चैलेंज करें बड़ों के साथ तहजीब से बात करें लेकिन दूसरी तरफ ये जो आयत मुबारक है कुरान करीम की

बात यह हो रही थी कि जब एक जोफर में आएगा एक एक नस, एक नस्ल नस्ल दूसरी नसल को हैंड देती है ना कि आप तुम संभालो तो वो जही हो चुकी होती आपने उस वक्त उन लोगों की वो वाली फिक्र करनी है जैसे उन्होंने आपकी फिक्र की थी जब आप छोटे थे ठीक है ये एहसान मंदी है मुसलमान की कि वो अपने ऐसा अपने ऊपर किए गए एहसान को नहीं भूलता बल्कि दुगना वापस करता है यह है उस आयत का मतलब कि भाई तुम अब कौन तुम ताकत में आयो तो उनकी के ऊपर उनको उनको उनकी देखभाल करते हुए तुम्हें अब तकलीफें हो रही तुम तो इतने से थे और हर वक्त रोते रहते थे हर वक्त तंग करते रहते थे हर वक्त हारिश थे कि तुझे दूध पिला दिया है तुझे खाना खिला दिया जाए और तूने नाक में दम करके रखा हुआ था तूने सांस रोक के रखी हुई थी तूने वक्त रोक लिया था तूने हमें जीने नहीं दिया जब तू छोटा था और अब तेरी बारी आई है कि तू ताकत में आ गए नखरा इतना हो गया तो चल छापा तू भी अब उसी ड्यूटी पे लग ठीक है सो ये जरूरी है कि हमें पता हो कि हम उस एहसान के बदले अपने माँ बाप के साथ दोगुना एहसान वापस करेंगे दैट्स द ड्यूटी ऑफ अ मुस्लिम कि आप उनकी बारी आई है तो तुम उन तुम्हारे नखरे और माथे पे भवें तन गई हैं कि, कि ये तो मैं बड़ा बिजी हूं दुनिया बनाने में और अब आपके काम कैसे करूंगा मैं बेटा वो आपने उन्होंने आपको इस काबिल बनाया कि आप ये वाली बातें कर सकते हैं तो ये 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 मैंने इसलिए कहा है मुसलमान लड़के लड़कियों को कि माँ और बाप के पैरों से ऊपर नहीं आना आपने ये आपकी औकातें नहीं है हमारी कि हम अपने माँ और बापों को आंखें दिखाएं ठीक है हमारा काम उनके पैरों में मगर उनका पहला हक हाँ क्या उन लोगों को से बचाया जाए अदब अदब में उनको जन्म वासिल कर दें कि नहीं हमारा हम मुरबत में मारे गई जी मुरबत में मारे गई ना माँ को सही बात बताई ना बाप को सही बात बताई और भाई फायदा क्या आपकी किताबें पढ़ने का आपकी माँ और बाप ही नहीं इससे फायदा उठा सके समझ रहे बात सो इसको बैलेंस करें हमें पता है पिछली जाहिल नस्ल चाहे कोई बात नहीं कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है भी पिछली नस्लें थी वो कुफार थे, उन्होंने उनको पकड़ा ना ये बहुत आई है जो कि अपने बच्चे भी अपने माँ बाप को भी पालेगी ये इस लेवल के ऊपर सोचे आप देख क्यों नहीं रहे हमारे हमारे आर्मी के जर्नैल देखे हमारे पार्लियामेंट हाउस के बापा देखें आपको लैंडस्केप जॉब जी कॉलर ऐड करते हैं साहिल साहब